Very good morning, and this time we learn about the next part, that is small intestine of the alimentary canal. Already we have learned about buccal cavity, esophagus and stoma. And small intestine, it is the longest part of alimentary canal. You remember, it is the longest part of alimentary canal, about 6 meters in length, and it is very narrow. It is very small. And in this area, final digestion and absorption both still occurs. You remember, in small intestine, final digestion and absorption both steps are involved. Okay, now look at the board. This is esophagus. This is stoma. And here, this is coil-like structure. And folded, it is coil and folded type structure. It is known as small intestine, small intestine. Okay, ये जो structure है small intestine, इसका जो upper part है, here ये जो upper part है, इसको कहा जाता है ड्यूडेनम. फर्स्ट पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यू रिमेंबर, फर्स्ट पार्ट और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज नोन एज ड्यूडेनम. मिडिल पार्ट that is jejula. Middle part, that is known as jejula, and last one, that is the ileum. I-L-E-U-M. Ileum. Hence, upper part, that is the duodenum, middle part, that is jejunum, and third part, that is the ileum. ये जो पहला भाग है duodenum, यहां पर ठीक इसके राइट साइड में, यू रिमेंबर, ठीक इसके राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में, अपर साइड में, राइट साइड, यहां पर जो है एक सबसे बड़ा ग्लैंड. इसको कहा जाता है लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड
in our body. And its weight, इनका इसका जो वजन जो है वो 1.5 केजी इसका वजन होता है. ठीक, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसकी बहुत सारे फंक्शन है. लेकिन पहला इसको इमेज जो यहां पर उसका फंक्शन है उसका अध्ययन करें. तो ये जो लीवर है, इस लीवर से एक डक निकलता है डक बन होता है नहीं, इस डक को कहा जाता है हेपेटिक डक्ट, HEPATIC हेपेटिक डक्ट. ये डक्ट जो है, दिस डक्ट अराइजेज फ्रॉम लीवर. ये लीवर से ये जो डक्ट निकला है, इस नली से जो है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल, जिस केमिकल को कहा जाता है बाइल जूस. ठीक, तो मैंने यहां लिखा बाइल जूस. बाइल जूस इज रिलीज्ड फ्रॉम लीवर. ओके, और ये बाइल जूस जो है इस डक से, जिस डक को कहा जाता है हेपेटिक डक, इससे ये बहते हुए इससे ये आता है आपके यहां पर इसकी अपनी एक थैली होती है, जिस थैली को कहा जाता है गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच बाइल जूस इज स्टोर्ड. बाइल जूस इज गैदर्ड, यहां पर आके जो है बाइल जूस आके जमा होता रहता है, स्टोर होता रहता है लगातार. ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा बाइल जूस किसमें जमा हुआ, गॉल ब्लैडर में जमा हुआ. तो यहां पर आप लिखिए गॉल ब्लैडर, मैंने यहां लिख देते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर. ओके, गॉल ब्लैडर में आके बाइल जूस आके जमा हो गया. ये बाइल जूस जिस नली से आया, जिसको कहा जाता है हेपेटिक डक्ट. अब इस गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस जमा है, यहां से एक दूसरी नली निकलती है जिसको कहा जाता है, माना अंदर से एक दूसरी नली निकलती है जिस नली को कहा जाता है बाइल डक्ट. ठीक, बाइल डक्ट दैट इज अनदर डक्ट दैट अराइज फ्रॉम गॉल ब्लैडर. इस बाइल डक्ट से, मैंने यहां लिखा बाइल डक्ट, इस बाइल डक्ट से ये बाइल जूस निकलता है और निकल के पहली बार ये इंटेस्टाइन का जो पहला जो पार्ट है उसमें आके ये गिर जाता है. तो ये जो गिरता है उसके लिए भी एक, ये जो डक है जिसको मैंने कहा बाइल डक्ट, ये नीचे से होती है यहां पर, ठीक है, स्टोमा के राइट साइड में ये लीवर है, ठीक इसके नीचे पार्ट में स्टोमा के ठीक लेफ्ट साइड नीचे की तरफ यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है पैनक्रियास. पैनक्रियास, पैनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर.
इसके बाद है पैंक्रियास। पैंक्रियास से जो डक निकलता है पैंक्रियाटिक डक्ट, ये डक और इसका बाइल डक्ट दोनों डक्ट आके जो फर्स्ट पार्ट है जुड़ना वहां पर एक कॉमन डक के रूप में यहां पर लगेगा। इसको कहा गया है कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट से बाइल जूस भी आता है ड्यूडेनम में और पैंक्रियास से जो निकलता है पैंक्रियाटिक जूसेस या पैंक्रियाटिक एंजाइम, ये भी इसी कॉमन डक्ट से ड्यूडेनम में आके गिरता है। ओके, अब ये बाइल जूस, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बर्टल कैविटी में भोजन कंडीशन क्या है फूड का, अल्कलाइन। स्टोमा में भोजन से कैसा हो गया, एसिडिक। अब जैसे ही ये एसिडिक फूड इस जुड़ना में आता है तो जुड़ना में जो आ रहा है, जैसे यहां भी स्फिंक्टर मसल है, यहां भी स्फिंक्टर मसल है, ये स्फिंक्टर मसल स्टोमा के लोअर पार्ट में है, ये स्फिंक्टर मसल जो है स्टोमा के अपर पार्ट में है। तो ये इस स्फिंक्टर मसल से ये भोजन टुकड़े टुकड़े में एसिडिक मीडियम में ये कहां गिर रहा है, जुड़ने में गिर रहा है। तो जुड़ने में जैसे ये भोजन आया एसिडिक मीडियम में तो बाइल जूस क्या करता है, फिर एक बार वंस अगेन एक बार फिर इस एसिडिक फूड को जो है अल्कलाइन मीडियम में चेंज कर देता है। यू रिमेंबर पहला जॉब, दैट इज द फर्स्ट जॉब ऑफ बाइल जूस, इट मेक्स द एसिडिक फूड इंटू अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन फूड में ये चेंज कर देता है। इसके बाद बाइल जूस का दूसरा जॉब क्या है, इसको भी लिख लीजिए पहले। बाइल जूस का पहला जॉब है इट मेक्स द एसिडिक फूड इंटू अल्कलाइन फूड। पहला जॉब क्या है, दूसरा जॉब क्या है बाइल जूस का, कि जितने भी बड़े बड़े जो फैट्स मॉलिक्यूल्स हैं, फैट्स, इसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इसको तोड़ देता है बाइल जूस। तो यहां देखिए इट ब्रेक्स डाउन द लार्ज फैट, द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इंटू स्मॉलर वंस। ओके, इट ब्रेक्स डाउन द लार्ज फैट्स इंटू स्मॉलर वंस और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज दैट प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय बाइल जूस बाय विच लार्ज फैट पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर वंस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। दो जॉब, और तीसरा जॉब जो है बाइल जूस का है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, ये बाइल जूस क्या करता है, ये कुछ फैट्स को जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये टूट जाता है तो इसको ये जो है जैसे फैटी एसिड्स है उसको एब्जॉर्ब करने में भी जो है ये सहायता करता है। तो दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द जॉब ऑफ बाइल जूस। ये बाइल जूस का ये काम हो गया। और ये लीवर, जिसके बारे में मैंने कहा इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, क्यों, इसके अलावा ये बाइल जूस क्या करता है, लीवर क्या करता है, इट स्टोर्स द एक्स्ट्रा फूड विच इज नोन एज ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को जो है ग्लाइकोजन को ये स्टोर करके भी ये रखता है।
लीवर का एक काम और भी है, ब्लड में जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं उसको ये जो है तोड़ देता है और तोड़ के उसको जो है ब्लड को जो है ये साफ करता है। ओके, तो दीज आर द जॉब ऑफ बाइल जूस। ओके, थैंक यू।